Yes, students, past paper of circular measures. Question number 6 from the past paper file, and it is May, June 16, paper 1-1. Now, in the first part, the diagram is given. Express the perimeter of the shaded region in terms of R, theta, and pi. Right? Start karte. In the first part, what is the perimeter? First, we have to write all the outlines. So the first is, agar hum yahan se chalte hain, B se chale, chalna start karte hain. BD, straight line. DC, straight line. CB, curve. Aisa hi, teen outlines bani hui hai kiski? Shaded region. So now, what is BD? This is the straight line. Abhi hamare paas BD ki length maujood nahi hai. What is CD? Again, we don't have the straight line CD. Ye line bhi maujood nahi hai. What is CB? Ye bhi nahi hai maujood. Karte hain alag alag inko calculate. Ab suniyega. Bacho, ye aapko diya gaya hai angle theta. ये आपको दिया गया एंगल थीटा. अगर हम ये वाला एंगल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पैरेलल लाइंस, क्या ये थीटा हो जाएगा? क्या ये थीटा हो जाएगा? यहां पर गिवन नहीं है द लाइन, लिखा हुआ है द लाइंस आर पैरेलल, सीडी इज पैरेलल टू ए. यस, सीडी इज पैरेलल टू एओ. पैरेलल लाइन पर ये मार्क हमने लगा दिया, सीडी इज पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर, Z फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. अब सुनिएगा, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, CDO. CDO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब अगर मैं कहूं साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू ओडी अपॉन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस इज आर, तो क्या मैं कह सकता हूं ओडी किसके इक्वल है? आर साइन थीटा. क्या कहा जा सकता है ओडी आर साइन थीटा के इक्वल है? तो यहां पर मैंने लिखा आर साइन थीटा. अब अगर मैं यूज कर रहा हूं बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट सीडी ओवर हाइपोटेन्यूस इज आर, क्या कहा जा सकता है? सीडी इक्वल टू आर कॉस थीटा, सीडी इक्वल टू आर कॉस थीटा. तो सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया? आर कॉस थीटा. अब आइए बी डी कैलकुलेट करना है. बी डी अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, दिस इज द सर्कल सेंटर, सेंटर से लेकर ए तक कितना है? आर. सेंटर से लेकर बी तक कितना है? आर. आवाज आए, सेंटर से लेकर बी तक कितना है? आर. राइट, तो बी डी कितना हो जाएगा? आर माइनस आर साइन थीटा, आर माइनस आर साइन थीटा. अब आ जाइए बी डी लिखा हमने आर माइनस आर साइन थीटा, सी डी कितना है जनाब? आर कॉस थीटा. और सी बी कितना है जनाब? सी बी कितना है जनाब? एंगल ये वाला आएगा, एंगल ये वाला आएगा, और ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज. 90 माइनस थीटा, तो आर थीटा. रेडियस कितना है आर, और थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा. ये आपने इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा पैरामीटर लिख दिया. अब कॉमन लेना चाहें आप कॉमन ले लीजिए. आर को अगर कॉमन लिया हमने तो ये वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय टू माइनस थीटा. ये एक स्टेप अगर और करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ठीक हो गया. आफ्टर दैट, फॉर द केस व्हेन आर इज 6 एंड थीटा इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सेकेंड पार्ट बच्चों, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? वही ये सेगमेंट टाइप का बन रहा है कुछ. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर विच सेक्टर? ओबीसी. एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल.
एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है, पाई बाय टू माइनस थीटा, हो गया जनाब, यस और नो? रजा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट कर दो, बेस आर कॉस थीटा और हाइट आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, जहां आर है वहां रखिए 5, जहां थीटा है वहां रखिए 0.6 और आंसर बता दीजिए फाइनल 12.1 इज द फाइनल रिजल्ट। बात आ रही है समझ में, एनी कंफ्यूजन? होपफुली नो जनाब। अब आप देखिए बच्चों, इन दिस डायग्राम फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट। तीनों साइड्स गिवन है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, ए सी इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, बी सी इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 9, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने क्या किया, इसको एंगल ए, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी कह दिया, वी हैव टू कैलकुलेट द शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं A1, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, 90 डिग्रीज, एंगल सी 90 डिग्रीज पर है, इसके लेफ्ट राइट पर बेस और हाइट होगी, तो 4 और साथ में 3, आंसर क्या आ गया 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 6 आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब आइए, अब हमें कैलकुलेट करना है लेट्स से एरिया ऑफ ए, पहले सेक्टर ए का एरिया, हाफ आर स्क्वायर थीटा, रेडियस कितना है 3, हाफ आर स्क्वायर, बट वी डोंट हैव थीटा, बट वी डोंट हैव थीटा, थीटा नहीं है। एरिया ऑफ बी अगेन हाफ आर स्क्वायर थीटा, रेडियस कितना है बी का 2, फिर थीटा नहीं है हमारे पास, और सी के लिए हाफ आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1, थीटा, थीटा है हमारे पास पाई बाय 2, 90 डिग्रीज है ना, थीटा है पाई बाय, राइट? तो जनाब यहां से आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4। अभी हमें फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर, सेक्टर ए सेक्टर बी का एंगल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे जरा चेक करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर ए, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कंप्लीट। अगर मैं लिखता हूं यहां पर बच्चों साइन ए इक्वल टू, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट 3 ओवर हाइपोटेन्यूस इज 5, यहां से जरा एंगल ए बताइएगा मुझे, 0.64, एक और डिजिट बता दीजिए 0.643, ये एंगल आ गया 0.643। इसी तरीके से साइन बी, अगर बी पर साइन अप्लाई करते हैं, साइन बी इक्वल टू ऑपोजिट 4, हाइपोटेन्यूस इज 5, एंगल बी बताइए 0.927, ये आ गया 0.927। अब जरा मुझे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर ए क्या आंसर आ रहा है, 2.89। सेक्टर बी, therefore the final answer क्या हो जाएगा, A1 में से माइनस कर देंगे हम तमाम एरियाज को, तमाम एरियाज को माइनस कर दिया जाएगा, किसमें से A1 में से, आंसर क्या आया फाइनल 0.467 is the final result। बात समझ में आ रही है,
Any confusion? Hopefully not. Question number 10. In the diagram, all the things are given. Yes. In a force, we have to calculate, find the value of alpha. We have to calculate the angle. We have to calculate the angle, right? Iske liye, hame kuch conditions given hai. The perimeter of the shaded region is 4.4 R. Condition given hai, the perimeter of the shaded region is 4.4 R. Hum iske accordingly alpha angle ki value calculate karenge. Suniyega, kaise hoga? In the first part, bacho, perimeter of the shaded region, kya likha ja sakta hai? It is equals to CD, arc, plus DB, straight line, plus AB, arc, plus AC, straight line. Do straight line or do arc? दो स्ट्रेट लाइन और दो आर्क्स. अगर आर्क लेंथ हमें कैलकुलेट करना है सीडी की, तो सीडी की आर्क लेंथ आर थीटा, मतलब आर अल्फा. आ गई सीडी की आर्क लेंथ भाई जान, सही है? अब देखिए आगे. हाँ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा. आर इज दिस आर एंड थीटा इज अल्फा, तो आर अल्फा हो गया. प्लस व्हाट इज डीबी? अगर ये आर है तो ये भी आर हुआ. प्लस एबी, एबी के लिए रेडियस क्या हो जाएगा? जनून 2R. कितना रेडियस हो जाएगा? 2R. तो आंसर क्या हो गया? 2R अल्फा. एंगल तो वही रहे. और फिर एसी कितना हो गया? आर. एसी कितना हो गया? आर. हमें मालूम है ये सब चीजें किसके इक्वल है? 4.4 R के इक्वल. तो जनाब क्या हम लिख सकते हैं? R कॉमन लिया, अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 4.4 R. R से R कैंसिल. बाय दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.8. अल्फा की वैल्यू आ गई 0.8. एनी कंफ्यूजन? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? आगे सेकंड पार्ट. कह रहे हैं, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बच्चों हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको गिवन दिया गया है, किसके इक्वल है? 30 के इक्वल. एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? बिग सेक्टर माइनस द स्मॉल सेक्टर. बिग सेक्टर माइनस द स्मॉल सेक्टर. सो द बिग सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर. बिग सेक्टर का रेडियस क्या है? 2 R. हाफ आर स्क्वायर थीटा अल्फा, राइट? माइनस स्मॉल सेक्टर हाफ आर स्क्वायर, फिर वही अल्फा, इक्वल्स टू 30. बात समझ में आ रही है? अब आइए, हाफ ये कितना हो गया? 4 आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 0.8 माइनस हाफ आर स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 0.8 equals to 30. अगर 2 से एलसीएम लेकर 2 को राइट साइड पर भेज दिया जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 3.2 आर स्क्वायर माइनस 0.8 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया 60. तो 3.2 माइनस 0.8 2.4 R स्क्वायर इक्वल्स टू 60. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू बताइए. 5. द वैल्यू ऑफ R इज 5. द वैल्यू ऑफ R इज 5. बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? द क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. क्या कह रहे हैं? डायग्राम आपको गिवन दी गई. इन अ फर्स्ट पार्ट, show that the radius of CED, show that the radius of CED means ये वाला radius, मतलब अगर मैं कहूं O से लेकर D तक की length, O से लेकर D तक की length is the radius of CED, ठीक है? 3.73 हमें प्रूफ करना है. 3.73 हमें प्रूफ करना है.
जरा चेक करते हैं किस तरीके से प्रूव होगा, सुनिएगा। क्या अगर इसको हम स्ट्रेट एक लाइन लेकर जाएं ई तक, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आ रहा है? क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आ रहा है क्या बेटा? हाँ, लेकिन हम राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेंगे ना, हम हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट? अब सुनिएगा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल 1.8 का है, 1.8 का आधा कितना हो जाएगा? 0.9 हो गया, ये एंगल हो गया 0.9 का। अब सुनिएगा, अगर O से लेकर इस सर्कल का रेडियस बड़े वाले का 6 है, तो O से लेकर B तक ये जो बड़े ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइपोटेन्यूस भी 6 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस है ना बड़े सर्कल का 6, तो O से B तक भी 6, हाइपोटेन्यूस हो गई 6। ठीक है, अब सुनिए, अगर हाइपोटेन्यूस 6 है और एंगल 0.9 है, तो क्या मैं कॉस 0.9 इक्वल्स टू कॉस 0.9 इक्वल्स टू एडजेसेंट ओई अपॉन हाइपोटेन्यूस 6, तो क्या मैं ओई कैलकुलेट कर सकता हूं? और जब मैं ओई कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 3.73 का, विच वी हैव टू प्रूव। हमें क्या कैलकुलेट करना था? ओई कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जरूर साहब, हमने ट्राइंगल इस वजह से पिक किया, सर्कल इस वजह से पिक नहीं किया, क्योंकि कॉस साइन कॉस टेन तो ट्राइंगल पर लगता है। सेकेंड पार्ट, आपसे कहा गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एक तो बड़ा एरिया और एक छोटा एरिया, सही है? तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बिग एरिया के लिए हमें हाफ बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना है? 6 आर स्क्वायर, और एंगल कितना है बड़े वाले सर्किल का? ये वाला एंगल होगा ना 360, मतलब 2 पाई माइनस 1.8 हाफ आर स्क्वायर थीटा प्लस हाफ छोटे वाले का रेडियस कितना है 3.73 हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 1.8। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 93.2 is the final result. Hopefully, the question of 6 marks is clear. Now, guys, question number 14. It is paper 1-3, May, June 15. In the first part, we have to prove, show that sine alpha cos alpha equals to half alpha. शो करना है इसको, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, जरा रीड करते हैं। कंडीशन गिवन दी गई है, एसी डिवाइड्स द सेक्टर, एसी डिवाइड्स द सेक्टर इनटू टू इक्वल एरिया। मतलब अगर मैं इसको कहूं ए, अगर मैं इसको कहूं ए वन और इसको अगर मैं कहूं ए टू, तो बच्चों दोनों का एरिया आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों का एरिया आपस में क्या है? इक्वल। अब मैं लिख सकता हूं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए, क्या मैं कह सकता हूं ए वन बराबर है ए टू के, ऐसा ही है ना, ये कंडीशन गिवन है, सही है? नाउ अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं ए वन क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ए टू क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा ही। ए टू क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर द कंप्लीट डायग्राम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर लेफ्ट साइड पर ले आऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर? बात आ रही है समझ? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अब किसके बराबर है, जरा देखिएगा, टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसा ही है ना, यही है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट।
इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर, रेडियस जनून कितना है, आर इज आर, रेडियस इज आर, आर स्क्वायर एंड थीटा इज एल्फा. कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ रही? बट वी डोंट हैव ओसी एंड एसी, बट वी डोंट हैव ओसी एंड एसी, बट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर मैं यूज करता हूं साइन एल्फा इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हैपेटेनियस, तो क्या मैं एसी लिख सकता हूं आर साइन एल्फा के बराबर. और अगर मैं कहूं कॉस एल्फा इक्वल टू ओसी अपॉन एडजेसेंट अपॉन हैपेटेनियस, तो क्या मैं लिख सकता हूं ओसी इक्वल टू आर कॉस एल्फा. ना अब सुनिए, ओसी की जगह हम लिख सकते हैं आर कॉस एल्फा, एसी की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन एल्फा, इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर एल्फा. अब आप देखें आर स्क्वायर, आर और आर मिलके आर स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन एल्फा कॉस एल्फा इक्वल्स टू हाफ एल्फा. दिस वी हैव टू, ये हमें प्रूफ करना था, वो प्रूफ कर दिया. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? होपफुली नो. आगे देखिए व्हाट वी हैव इन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में कहा गया पेरिमीटर ऑफ द रीजन ओ ए सी, ओ ए सी का पेरिमीटर डिवाइड करना है इसको किससे, ए सी बी के पेरिमीटर से, ए सी बी के पेरिमीटर से करते हैं, और फिर रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट. ओ ए सी का पेरिमीटर क्या है, ओ ए सी का पेरिमीटर है जनाब ओ सी प्लस ए सी प्लस ओ ए, क्या यही है, डिवाइडेड बाय किसका पैरामीटर. या चलें एक काम करते हैं, हम इस पैरामीटर को अलग से निकाल रहे हैं. फर्स्ट पैरामीटर सी वन कह दिया हमने, ओसी कितना है हमारे पास, ओसी है आर कॉस एल्फा. एसी कितना है, आर साइन एल्फा. और ओए कितना है, आर. कोई कंफ्यूजन? पैरामीटर टू हम किसका निकाल रहे हैं, एसीबी का, एसी स्ट्रेट, एबी कर्व, प्लस बीसी स्ट्रेट. नाउ एसी कितना है हमारे पास, एसी हम निकाल चुके हैं आर साइन एल्फा प्लस एबी कितना है, आर्क लेंथ आर थीटा, तो आर इज आर एंड थीटा इज एल्फा, एंड व्हाट इज द लेंथ बी सी. अब देखिएगा कंप्लीट लेंथ ओ से बी तक कितनी है बच्चों, आर. आर में से अगर मैं आर कॉस एल्फा माइनस कर दूं तो क्या ये लेंथ आ जाएगी, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, आर माइनस आर कॉस एल्फा. आ रही है बात समझ? अब हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, पी वन इज टू, हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, पी वन इज टू पी टू. समझ आ रही? अब सुनिएगा पी वन क्या है, पी वन मैं लिख रहा हूं जनाब कॉज एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस वन इज टू. पी टू क्या लिख रहा हूं मैं, साइन एल्फा प्लस एल्फा प्लस वन माइनस कॉस एल्फा. आर कहां चला गया, आर पी वन से भी कॉमन लिया, पी टू से भी कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक हो गया. अब एल्फा हमें गिवन है, जरा एल्फा की वैल्यू रखकर मुझे आंसर बताइए. 1.1 आर. ओके, एल्फा की वैल्यू जब यहां रखी गई तो आंसर आया 1.1, और एल्फा की वैल्यू जब यहां रखी गई तो आंसर क्या आया, इसका आंसर बताइए ना.
ओके स्टूडेंट, सो अल्फा रखने के बाद इसका आंसर आ रहा है 2.39 और इसका आंसर आ रहा है 2.17. अब एक चीज और सुनिएगा, वी हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ k = 1. k = 1 राइट साइड पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो अगर राइट साइड पर 1 होना चाहिए तो राइट साइड पर 1 कैसे आएगा? इसको 2.17 से डिवाइड कर दें. एक साइड को डिवाइड कर नहीं सकते तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया. तो फाइनल आंसर फिर क्या जनरेट हुआ? फाइनल आंसर जनरेट हुआ 1.1:1 का फाइनल आंसर जनरेट हुआ. दिस इज द रेशियो बिटवीन पेरीमीटर ऑफ OAC एंड पेरीमीटर ऑफ ACB. ठीक है, आगे इन द थर्ड पार्ट. वन मार्क डिडक्ट. नाउ इन द थर्ड पार्ट AOB इन डिग्रीज. डिग्रीज में आपने AOB एंगल लिखना है. AOB एंगल आपको गिवन दिया गया 0.9477, 0.9477. अगर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है पाई बाय 180 से. आंसर बताइएगा क्या आ रहा है? 0.0165. बच्चों सॉरी, इसको 180 बाय पाई से हमने मल्टीप्लाई करना है. 180 बाय पाई से 180 डिवाइडेड बाय पाई, सो द आंसर इज 54.3 degrees. अगर किसी रेडियंस को हमें कन्वर्ट करना हो डिग्रीज में तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. और नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16. A question, metal plate आपको given दी गई, show that the length of OB, show that the length of OB is 7.270. A very simple part, just by using sin, just by using cos, cos 0.6 equals to adjacent over hypotenuse OB. So what is the value of OB? It is 7.270. This we have to prove. Now, in the second part, perimeter of the metal plate, फिर आपने लिखना होगा OA straight, AB straight, BC curve, OC straight. What is OA? 6. What is AB? 7. By using sine 0.6. Equals to opposite AB over hypotenuse is 6. So what is AB? 4.1. What is BC? This angle is 90 minus 0.6. Matlab pi by 2 minus 0.6. So it will be R theta. Radius is 6. And theta is pi by 2 minus 0.6 plus OC. Mistake hui hai yahan par bacho. This will be 7.270. To yahan se 4.1 hi aa raha hai. ठीक है. एंड फॉर बी सी अगेन द रेडियस विल बी 7.270 और फिर ओसी के लिए ओसी तो होगा ही 7.270. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 24.4 इज द पैरामीटर. क्लियर? आफ्टर दैट इन द थर्ड पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल प्लेट. एरिया वन सेक्टर, एरिया टू ट्राइंगल. सो एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. थीटा इज पाई बाय 2 माइनस 0.6 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ. बेस इज 6 एंड हाइट इज 4.1. व्हाट इज द फाइनल आंसर? 37.9 इज द फाइनल रिजल्ट.
चलें इसको 38.0 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट 18 देखिएगा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 18 में, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन सामने नजर आ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो छोटा सेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस, बेस इज 4 एंड हाइट इज बी सी, वी डोंट हैव द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास नहीं है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर, सेक्टर का रेडियस क्या है 2 अल्फा राइट, और यहां पर ट्राइंगल में मैं यहां पर लिख सकता हूं हियर इज द लेंथ बी सी। अब सुनिएगा आपसे कह रहे हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा की फॉर्मेट में लेकर आना है आंसर, तो बी सी लेंथ के लिए क्या हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू बेस या एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूस, नहीं कॉस नहीं टैन यूज करेंगे, टैन टैन अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट, टैन अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है बच्चों द लेंथ बी सी एंड एडजस्टेड इज 4, तो क्या हम लिख सकते हैं द लेंथ बी सी इज 4 टैन अल्फा। अब आ जाइए इधर, 2 ने इसको कैंसिल किया तो 2 एंड द लेंथ बी सी इज 4 टैन अल्फा, और ये कितना हो गया 2 अल्फा, सो इट विल बी 8 टैन अल्फा माइनस 2 अल्फा, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। जरून इज दिस क्लियर, जरून इज दिस क्लियर, अल्फा कॉमन ले लें यहां से, अल्फा कॉमन ले लें तो क्या बचा 8 टैन माइनस 2, सही हो गया। दिस इज द आंसर 8 टैन अल्फा माइनस 2 अल्फा, ठीक हो गया जरूर, ये तो यही सीन हो गया 85 ओवर 8, 8 से 8 कैंसिल 5 आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर किसके इक्वल है बच्चों डीई आर्क लेंथ प्लस डीसी स्ट्रेट लाइन प्लस सीबी स्ट्रेट लाइन प्लस बीई स्ट्रेट लाइन। अब आइए ई से ए, क्यों गलत चाहिए आंसर हमें, हाँ गलत चाहिए आंसर तो दे सकते हैं, डीई आर्क लेंथ किसके इक्वल है आर थीटा, आर कितना है 2, थीटा कितना है अल्फा, बी सी स्ट्रेट लाइन। अब आप देखिएगा किस तरीके से आएगी ये डी सी की लेंथ कैसे आएगी, सुनिए अगर मैं कंप्लीट ए सी की लेंथ कैलकुलेट कर लू, कंप्लीट ए सी की लेंथ कैलकुलेट कर लें कैसे जनाब, कॉस मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर ए सी, फॉर ए सी बच्चों कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज ए सी, तो ए सी क्या हो गया 4 अपॉन कॉस अल्फा, 4 अपॉन कॉस अल्फा कंप्लीट ए सी आ गया, तो डी सी कितना हो गया 4 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 2, ए डी माइनस कर दिया, ए डी को माइनस कर दिया तो ये वाली लेंथ आ गई सी डी की, प्लस व्हाट इज सी बी 4 टैन अल्फा हम निकाल चुके, एंड व्हाट इज बी ई, बी ई कितना है, बी ई कितना है अब ये जरा चेक करना पड़ेगा हमें, 4 में, हाँ एग्जैक्टली 4 में से हमने अगर ये 2 है क्योंकि रेडियस ए ई 2 है तो ये भी कितना हो गया, ये भी 2 हो गया प्लस 2, तो जनाब ये हमारे पास लेंथ पेरीमीटर आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन
इसके अलावा और कुछ वर्किंग हमें शो नहीं करना। बात आ रही है समझ में? कौन कैंसिल? हाँ, टू और टू कैंसिल हो रहा है, तो आखिरी स्टेप एक और कर सकते हैं, टू अल्फा प्लस फोर पॉन कॉस अल्फा प्लस फोर टेन अल्फा, दिस विल बी द फाइनल। इज दिस क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम इज गिवन। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सो पैरामीटर इक्वल्स टू एओ प्लस ओबी प्लस ए बी, एओ स्ट्रेट, ओबी स्ट्रेट, ए बी आर्क लेंथ। एओ कितना है? 6, ओबी कितना है? 6, ए बी कितना है? आर थीटा, आर इज 6 एंड थीटा इज 2 पाई माइनस 2.2। व्हाट इज द फाइनल आंसर बॉयज? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 36.5 कहा जा सकता है। सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ठीक है, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, 2 पाई माइनस 2.2। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बता दीजिए क्या आया? 73.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ द टू साइड्स साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, 2 पाई माइनस 2.2। व्हाट इज द फाइनल? सॉरी, साइन 2.2, 14.55, साइन 2.2, आंसर आया 14.5। हमें रेशो 73.5 इज टू 14.5। 73.5 डिवाइडेड बाय 14.5 इज 5 इज टू 1 का रेशियो आ गया। 5:1 का रेशियो आ गया। बात आ रही है समझ? एनी कंफ्यूजन? होपफुली इट इज क्लियर।